फोकस हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा। सिटी ब्यूटीफुल को रॉक गार्डन के जरिए विश्व में पहचान देने वाले नेकचंद के पार्थिव शरीर को रॉक गार्डन में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी भी रॉक गार्डन में पहुंचकर नेकचंद को श्रद्धांजलि दे चुके हैं। शाम 4 बजे तक लोग अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाएंगे। वहीं शाम 6 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। 90 साल की उम्र में गुरुवार को उनका निधन हुआ था। वो कैंसर से पीड़ित थे। चंडीगढ़ को रीडिजाइन करने का श्रेय भी नेकचंद को जाता है। 1958 में उन्होंने रॉक गार्डन पर काम शुरू किया था। उन्होंने अपने जीवन काल में 90 वर्ष तक घनघोर तपस्या की। उस तपस्या के परिणाम स्वरूप जो अमूल्य और अमर कृति रॉक गार्डन के रूप में हम सब के सामने प्रस्तुत हुई है, वो चंडीगढ़ की बहुत बड़ी पहचान है। रॉक गार्डन के माध्यम से चंडीगढ़ जाना जाएगा और रॉक गार्डन की जो कलाकृति यहां पर प्रस्तुत हुई है उसके माध्यम से पद्मश्री नेकचंद जी जाने जाएंगे। तो राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी भी रॉक गार्डन पहुंचे और नेकचंद को श्रद्धांजलि दी। वहीं हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद थे जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं रॉक गार्डन के निर्माता नेकचंद को श्रद्धांजलि देने के लिए। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माता नेकचंद भले ही अब हमारे बीच नहीं हो, लेकिन उनके शव का अंतिम संस्कार करने से पहले उनके शव के अंतिम दर्शन आप कर सकते हैं रॉक गार्डन में, उस जगह पर जहां पर उन्होंने जिंदगी के कई दशक बिताए और एक ऐसी सौगात चंडीगढ़ शहर को दी जिसका पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। रॉक गार्डन में नेकचंद की पार्थिव देह को रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए। उनके परिवार के लोग, उनके चाहने वाले, उनके सगे संबंधी, उनके वो फैन, वो प्रशंसक जो रॉक गार्डन को एक अद्भुत कृति मानते हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं और जो उनको श्रद्धांजलि है वो दे रहे हैं। कई दशकों तक चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बनाने की प्रक्रिया चलती रही और आखिरकार ये पूरा जब हुआ तो दुनिया हैरान थी इसको देखकर, और इसी वजह से 1984 में पद्मश्री का पुरस्कार नेकचंद को मिला है। 3 फेज होने वाले हैं इसके, 2 फेज कंप्लीट हो चुके हैं और इस कृति को जो पूरी दुनिया में मशहूर है उसको चंडीगढ़ को दिया नेकचंद ने, तो एक ऐसी विरासत है जिसको आने वाली पीढ़ियां हमेशा जब भी यहाँ पर आएंगी रॉक गार्डन को देखेंगी तो वो याद करेंगी नेकचंद को। और भले ही शारीरिक तौर पर आज शाम को जब संस्कार हो जाएगा 6 बजे तो ये हमारे बीच नहीं होंगे, लेकिन इनकी यादें हमेशा रहेंगी और हमेशा आने वाली पीढ़ियों को ये एहसास कराती रहेंगी कि जुनूनी लोग जिनको सनकी भी कहा जाता है वो जब कुछ गढ़ते हैं तो ऐसा गढ़ जाते हैं जिसका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होता, और ऐसी ही कलाकृति गढ़कर हमेशा के लिए दिलो दिमाग पर आने वाली पीढ़ियों में भी अमर हो गए हैं नेकचंद, जिनको श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शाम के 6 बजे तक चलता रहेगा और उसके बाद यहां से उनके पार्थिव देह को सेक्टर 25 के शमशान घाट में ले जाया जाएगा जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। एक भावभीनी श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में पूरा दिन चलता रहेगा। कैमरामैन अमन गुप्ता के साथ आदित्य चौधरी, फोकस न्यूज, चंडीगढ़। जी हाँ, तो रॉक गार्डन में शाम तक श्रद्धांजलि देने का सिलसिला चलता रहेगा। शाम को 6 बजे नेकचंद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता आदित्य चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, शेड्यूल क्या है? चूंकि जैसा कि आप बता रहे थे कि 6 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले बड़ी संख्या में लोग चूंकि रॉक गार्डन पहुंच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए, तो कौन कौन अब तक रॉक गार्डन में पहुंच चुका है, कौन सी बड़ी हस्तियां पहुंच चुकी हैं? नवनीत, हरियाणा, पंजाब और के राज्यपाल और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं कप्तान सिंह सोलंकी, उन्होंने 11:30 बजे के आसपास श्रद्धांजलि अपनी दी थी। और इसके अलावा चंडीगढ़ के DC दीपक कुमार, चंडीगढ़ के पुलिस के IG वो आए यहाँ पर। और चूंकि जो बड़े अफसर हैं, जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर के सलाहकार हैं या गृह सचिव हैं या दूसरे प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं, वो चंडीगढ़ से बाहर हैं, वो विदेश में हैं। और 3 दिन पहले ही जब ये
एडमिट हुए थे नेकचंद जी पीजीआई में, उस समय उनसे मिलने गए थे, तो वो लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन राज्यपाल ने इनको श्रद्धांजलि दी है अभी। और तमाम जो आम शहरी हैं या पर्यटक हैं जो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन को देखने आ रहे हैं, जब उन्हें पता लग रहा है कि इस तरह से जो क्रिएटर हैं जिन्होंने इसको रचा वो नहीं रहे दुनिया में, तो श्रद्धांजलि वो देने भी आ रहे हैं जो आम लोग हैं जो बाहर से सिर्फ आए थे। तो 4 बजे तक ये जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है ये चलेगा, और उसके बाद यहाँ से इनको ले जाया जाएगा शमशान घाट है सेक्टर 25 में, 5-5:30 बजे वहां पहुंचेंगे, और जो शेड्यूल बनाया है प्रशासन ने और परिवार के लोगों ने मिलकर उसके मुताबिक 6 बजे इनका क्रीमेशन होगा, 5:30 से 6 बजे के बीच में, और इनको सुपुर्द खाक इनको जो संस्कार है इनका वो कर दिया जाएगा। शुक्रिया आदित्य इस तमाम जानकारी के लिए।